हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स टुडे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि इस कोरोना के लॉकडाउन में आप सभी भी अपना और अपनी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही अपनी प्रिपरेशन के एफर्ट्स को भी जारी रख रहे होंगे। और आपके इसी एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए आज मैं स्वप्निल सिंह वापस से आप लोगों के बीच में आई हूँ अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चौथा वीडियो लेकर। यहाँ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और सुने, क्योंकि इसमें बताए गए जितने भी सवाल हैं वो आगे आने वाले सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगर आपने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसके साइंस और टेक के सवाल आप सॉल्व ना कर पाएं विद इन चंद सेकंड्स। तो इसीलिए इस वीडियो के साथ हमेशा जुड़े रहें, साथ ही में मेरे पिछले के 3 वीडियोस को भी देखना ना भूलें। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आगे के अपडेट्स समय पाने के लिए आप बेल आइकन दबा सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास कोई फ्रूटफुल सजेशन है तो प्लीज़ उसे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस बात को हमेशा याद रखें कि हम एक नए चैनल हैं, एक नया इनिशिएटिव है, तो आपके द्वारा दिए गए सजेशंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं टू मेक अस इम्प्रूव एंड टू मेक यू फ्रॉम एन एस्पिरेंट टू एन ऑफिसर। तो इसीलिए चलिए आज हम अपना नया वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे आज का पहला सवाल है, किस प्राइवेट सेक्टर बैंक के द्वारा हाल फिलहाल में ही अपनी बैंकिंग सर्विसेज को व्हाट्सएप पर लॉन्च किया गया इन द मंथ ऑफ मार्च 2020? तो इसका जवाब होगा ICICI बैंक। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल फिलहाल में ही इंडियन एयरलाइंस स्पाइस जेट में 5.45% का स्टेक अक्वायर किया है। तो इसका जवाब है HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। जी हाँ, HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एक सब्सिडियरी है HDFC बैंक की। और स्पाइस जेट, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन लो कॉस्ट एयरलाइन है और देश की सेकेंड सबसे बड़ी एयरलाइन है जिसमें बाय द नंबर ऑफ डोमेस्टिक पैसेंजर्स। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है, इंडियन मिनिस्ट्री का नाम बताइए जिसके द्वारा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय द नेम स्ट्रैंडेड इन इंडिया रिसेंटली। तो इसका जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। जी हाँ, जो ये स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव स्पेशली टू हेल्प द फॉरेन टूरिस्ट जो कि इंडिया में अलग अलग जगहों पे फंस गए हैं बिकॉज ऑफ द COVID-19 लॉकडाउन। तो ये काफ़ी काबिल तारीफ एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म का। अगले सवाल पे चलते हैं, हमारा अगला सवाल है, उस इंडियन स्टेट का नाम बताइए जिसने प्रज्ञान नाम का ऐप लॉन्च किया है टू इशू द ई पासेस फॉर एसेंशियल डिलीवरीज ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो इसका जवाब होगा झारखंड। जी हाँ, झारखंड के में ही इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है ड्यूरिंग द लॉकडाउन 1.0 जो कि 24 मार्च से शुरू किया गया था। और जो ये ई पासेस हैं इन्हें देने की जिम्मेदारी दी गई है डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स को इन झारखंड। अगला सवाल है हमारा, फिलिप वॉरेन एंडरसन जिनकी मृत्यु भी हाल फिलहाल में हुई है इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 किस फील्ड के नोबेल लॉरिएट रह चुके हैं? तो इसका जवाब होगा फिजिक्स। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो ये फिलिप एंडरसन साहब हैं ये एक बहुत ही प्रख्यात अमेरिकन फिजिस्ट रह चुके हैं और इन्होंने नोबेल प्राइज़ को जीता था सन 1977 में फॉर हिज रिसर्च ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक एंड डिसऑर्डर्ड सिस्टम। साथ ही में इनका जो ये रिसर्च है इन द फील्ड ऑफ मैग्नेटिज्म, सुपर कंडक्टिविटी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर वो भी काफ़ी पॉपुलर है, जिसकी वजह से ये काफ़ी रिनाउंड फिजिस्ट कहलाते हैं। अगला सवाल है, उस इंडियन स्टेट का नाम बताइए जिसने हाल फिलहाल में ही पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड या मॉम सिलेंडर को खरीदने के लिए प्रपोजल रखा है। तो इसका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी हाल फिलहाल का जो हमारा ये COVID-19 का लॉकडाउन चल रहा है और जो इतना ये आउटब्रेक हुआ है इसके दौरान बहुत सारे लोग इसकी गिरफ्त में आए हैं, जिस वजह से जो लोग हैं वो पेशेंट्स बनते जा रहे हैं, उनकी ऑक्सीजन सप्लाई की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इतनी ज़्यादा मल्टीपल पेशेंट्स की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को डील करने के लिए ये मॉम सिलेंडर को यूज़ किया जा रहा है बाई द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो ये सिलेंडर होते हैं इसके एक सिलेंडर बॉटल से कम 6 पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सकता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका होगा टू सेव मल्टीपल लाइव्स इन अ फ्यू मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस डिजिटल पेमेंट कंपनी के द्वारा इंडिया का पहला COVID-19 हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी कॉल्ड कोरोना केयर लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस? तो इसका जवाब होगा फोन पे,
जी हाँ, आप सभी फ़ोनपे यूज़ करते ही होंगे फॉर डिजिटल पेमेंट्स, और ये एक, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट सवाल है, उस पहली कॉम्प्रिहेंसिव COVID-19 ट्रैकिंग एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका जवाब होगा आरोग्य सेतु। जी हाँ, आरोग्य सेतु जिसे NIC के द्वारा डेवलप किया गया है इज मेनली यूज्ड टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द COVID-19 सर्विसेज। और जैसा कि आप जान ही रहे होंगे कि अभी हाल फिलहाल में जितना भी इंटर स्टेट ट्रैवलिंग हो रही है उसमें हर किसी को कहा गया है कि उनके मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप होना ही चाहिए सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई द COVID-19 पेशेंट्स इन एंड अराउंड देम। और एक और चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि एंड्रॉयड और iOS दोनों तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर काम कर सकती है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव एक ऐप है। अगला सवाल है, इन कोलैबोरेशन विथ विच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ओडिशा गवर्नमेंट ने मो प्रतीव या माई टैलेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है टू इंगेज द किड्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो इसका जवाब होगा यूनिसेफ। जी हाँ, यूनिसेफ जिसे हम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड के नाम से भी जानते हैं के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, और ये एक तरह का क्रिएटिव स्किल कॉम्पिटिशन है जिससे बच्चे इंगेज होंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन जब उनके स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं। तो आइए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, उस इनिशिएटिव का नाम बताइए जिसे सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्वारा लॉन्च किया गया है टू फाइट द COVID-19 पैंडेमिक इन इंडिया। तो इसका जवाब होगा करुणा। जी हाँ, जिसका करुणा जिसका फुल फॉर्म है सिविल सर्विस एसोसिएशंस रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर्स। ये एक बहुत ही फैक्चुअल सवाल है तो इसमें ज़्यादा कुछ जानने को है नहीं, आप सिर्फ इसे याद रख सकते हैं, और अगर वो ऑप्शंस में आए आपको प्रिलिम्स में तो आप उसे आसानी से टिक मार सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, उस इंडियन NGO का नाम बताइए जिसने 2020 के स्कॉल अवार्ड को जीता है फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका आंसर होगा आर्म मैन। जी हाँ, आर्म मैन नाम की एक NGO ने ये अवार्ड जीता है 2020 में फॉर इट्स एक्सेप्शनल वर्क इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन इंडिया अलॉन्ग विथ 4 अदर अवार्डीज। जी हाँ, इस साल 5 लोगों को ये अवार्ड मिला जिसमें से ये भी एक थी। और सबसे काबिल तारीफ बात जो है वो ये है कि एशिया और अफ्रीका से सेलेक्ट की गई 7 ऑर्गेनाइजेशन में से ये अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये अवार्ड जीता है, तो काफ़ी काबिल तारीफ एक, जिसे बोलते हैं ना, एक चीज़ इन्होंने अपने नाम पर रिकॉर्ड की है। अगला सवाल है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने इंडिया की पहली होम स्क्रीनिंग किट को लॉन्च किया है फॉर COVID-19 दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई ICMR। तो इसका आंसर होगा बायोन। जी हाँ, बायोन ही वो कंपनी है जिसने पहला होम स्क्रीनिंग किट लॉन्च किया है। अगला सवाल है, उस बुक का नाम बताइए, सॉरी, उस ऑथर का नाम बताइए जिन्होंने इस बुक को लिखा है। द नेम इज़ हाउ कंटेजियन वर्क्स साइंस अवेयरनेस एंड कम्युनिटी इन टाइम्स ऑफ ग्लोबल क्राइसिस। तो इसका आंसर है पाउलो गियर्डानो। जी हाँ, पाउलो गियर्डानो साहब ने ये लिखा है, और ये एक इटालियन फिजिस्ट हैं और काफ़ी प्रख्यात भी हैं अपने फील्ड में। अगला सवाल है, श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस नाम की बुक किनके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जवाब होगा सत्यार्थ नायक। जी हाँ, सत्यार्थ नायक जो पेशे से एक स्क्रीन राइटर भी हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। अगला सवाल है, किस इंडियन स्टेट के द्वारा हाल फिलहाल में ही योग महोत्सव का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो इसका जवाब है उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड के ऋषिकेश में ये योग महोत्सव नाम का एक फेस्टिवल लॉन्च किया गया है जिसका इनॉग्रेशन किया था वहाँ के यूपी के CM श्री योगी आदित्यनाथ ने। अगला सवाल है, अर्थ आवर 2020 कब सेलिब्रेट किया गया। तो इसका जवाब होगा मार्च 28, यानी कि 28th of March को। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो ये अर्थ आवर होता है ना, ये हर साल एक स्पेसिफिक दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस दिन हम क्या करते हैं कि रात के 8:30 बजे से 9:30 बजे तक हम जितने भी नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रिक लाइट्स होती हैं या जो नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसे बंद कर देते हैं, और ये दिखाने के लिए कि हम अपने अर्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सिंसियर और कमिटेड हैं। तो ये एक तरह से अपने अर्थ के प्रति अपनी जो निष्ठा होती है उसे दिखाने का एक तरीका होता है। और जो ये अर्थ आवर है इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है बाई WWF, या जिसे हम वर्ल्ड वाइड फंड भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उस इंडियन स्टेट या UT का नाम बताइए जिसके द्वारा 5T प्लान लॉन्च किया गया है टू कंट्रोल द COVID-19 आउटब्रेक। तो इसका जवाब होगा न्यू दिल्ली। और ये जो 5T प्लान है इसमें 5T स्टैंड्स फॉर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। जी हाँ, यही वो 5T हैं जिसके तहत न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट चाहती है कि हम जल्द से जल्द COVID-19 को
कंट्रोल कर लें। अगला सवाल है, किस इंडियन मिनिस्ट्री के द्वारा डीजी लॉकर को सोल नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी या नाड की तरह डिजिग्नेट किया गया है? तो इसका जवाब होगा MHRD या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। यहाँ मैं आप लोगों के लिए एक विशेष चीज़ बताना चाहूँगी कि जो ये डिजी लॉकर होता है, ये एक तरह का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वॉलेट होता है जिसमें आप अपने बहुत ही एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली स्टोर करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो इसी तरीके से MHRD ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कि अगर आप लोग भी अपने अपने जो एकेडमिक अवार्ड्स हैं या जो मार्कशीट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उसका भी डिजिटल कॉपी बनाकर इस प्लेटफॉर्म पे रखेंगे तो ये आगे के यूज के लिए काफी किफायती होगा रेदर देन कीपिंग इट इन अ हार्ड कॉपी फॉर्म। तो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का। अगला सवाल है, वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 का थीम क्या था? इसका जवाब होगा टू सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है तो मैं यहाँ पे इसे ज्यादा एलाबोरेट नहीं करूंगी। अगला सवाल है, किस कंपनी के द्वारा इंडियन आर्मी के साथ हाल फिलहाल में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है टू इंस्टॉल द स्टेट ऑफ द आर्ट IT इनेबल्ड नेटवर्क अंडर नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम? तो इसका जवाब होगा LNT या लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। ये भी एक फैक्चुअल सवाल है, इसे भी आप याद रख सकते हैं फॉर प्रीलिम्स, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगला सवाल है, किस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के द्वारा विप्रो 3D के साथ मिलकर एक फुल फेस शील्ड तैयार की गई है फॉर द हेल्थ केयर पर्सनल हु आर ट्रीटिंग द कोरोना वायरस पेशेंट्स? तो इसका जवाब होगा DRDO या जिसे हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जिसने हाल फिलहाल में ही दुनिया की पहली COVID-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर को लॉन्च किया है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि इसका जवाब है ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। और हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में इसलिए भी थी क्योंकि कोरोना जो वैक्सीन डेवलप हो रही है उसका सबसे जल्दी ट्रायल ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में ही शुरू किया गया है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ऑक्सफर्ड जल्द ही इसका वैक्सीन ढूंढ निकालेगा। अगला सवाल है, उस कंट्री का नाम बताइए जो हाल फिलहाल में ही वर्ल्ड लीडर बन गया है इन इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग्स एट विपोज पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। इसका जवाब होगा चाइना। जी हाँ, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि 1978 में जब इस ट्रीटी को लाया गया था उसके बाद से हमेशा से जो नंबर वन स्पॉट है वो USA के पास ही थी हमेशा से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो पेटेंट्स होते हैं वो USA के द्वारा ही फाइल किए जाते थे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि 2020 में ये स्पॉट चाइना को मिली है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो ये पेटेंट होता है इसका मतलब होता है कि जब आप कुछ नया काम करते हैं या कोई नई डिस्कवरी इन्वेंशन करते हैं तो आप उसका कॉपीराइट ले लेते हैं और उस कॉपीराइट के लिए आपको एक पेटेंट फाइल करना होता है ताकि उसे आपके अलावा कोई और अपने नाम से यूज़ ना कर सके अनटिल एंड अनलेस आप उसे परमिट करें। तो इसीलिए पेटेंट फाइलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कही जाती है इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यहाँ ये भी मैं बताना चाहूँगी कि इसी ट्रीटी के अनुसार इंडिया फिलहाल 14वें रैंक पर है विथ अबाउट 2,053 पेटेंट्स। तो ये काफ़ी कम है कंपेयर टू द अदर नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस इंडियन स्टेट या UT का नाम बताइए जिसने ऑपरेशन शील्ड को लॉन्च किया है इन द कंटेनमेंट एरियाज अगेंस्ट COVID-19 पैंडमिक। तो इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल फिलहाल में ही एक वेदर ऐप डार्क स्काई को अक्वायर किया है। इसका आंसर है एप्पल। जी हाँ, एप्पल ही वो कंपनी है जिसने डार्क स्काई को अक्वायर किया है। अगला सवाल है, नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म DigiGen को इंट्रोड्यूस किया। तो इसका जवाब होगा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी हाँ, ये जो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये एक तरह के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है और जो इसने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसे मेनली इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो इसके कस्टमर्स हैं वो अपने सेविंग्स अकाउंट और अपनी FD को कहीं भी और किसी वक्त भी डिजिटली ओपन कर सकें। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है इन द वर्ल्ड पोस्ट COVID-19 पैंडमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मार्टफोन कंपनी ने गूगल के साथ हाल फिलहाल में ही टाई अप किया है टू क्रिएट द कोरोना वायरस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी यूजिंग ब्लूटूथ सिग्नल? तो इसका जवाब है एप्पल। अगला सवाल है,
उस इंडियन स्टेट का नाम बताएं जिसने हाल फिलहाल में ही फूड बैंक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है विद द थीम हेल्प एंड हंगर टुडे फॉर द पुअर एंड नीडी पीपल। तो इसका जवाब होगा मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर जो कि हमारे एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और हमारे सेवन सिस्टर्स में से एक है, उसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है टू हेल्प द पीपल इन द कोरोना 19 पैंडमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस इंडियन मिनिस्ट्री का नाम बताएं जिसने वेब पोर्टल युक्ति को लॉन्च किया है टू रिकॉर्ड एंड मॉनिटर द इफेक्टिवनेस एंड इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। तो इसका जवाब होगा MHRD या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और जो ये युक्ति है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इसके MHRD का, जिसका मतलब होता है यंग इंडियन कम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव माना जा रहा है। अगला सवाल है, इंडिया के पहले स्टेट का नाम बताइए जिसने आयुर्वेद और एलोपैथी को साथ में मिलाकर इम्यूनिटी डेवलप करने की कोशिश की है फॉर द कोविड 19 पेशेंट्स। तो इसका जवाब होगा गोवा। जी हाँ, गोवा ये पहला स्टेट है जिसने आयुर्वेद और एलोपैथी को साथ में मिलाया है। अगला सवाल है हमारा, जुनिपर कोबरा इज द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। इसका जवाब है USA एंड इसराइल। जी हाँ, USA और इसराइल के बीच में ये जुनिपर कोबरा नाम का एक्सरसाइज होता है। इसे कायदे से तो 3 मार्च को स्टार्ट होना था, बट कोरोना 19 के पैंडेमिक की वजह से इसे फिलहाल के लिए तो पोस्टपोन किया जा चुका है। नेक्स्ट सवाल है, पहले इंडियन स्टेट का नाम बताइए जिसके द्वारा ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट को मेजर किया जाना है। इसका आंसर है उत्तराखंड। अगला सवाल है, पहले कंट्री का नाम बताइए ऑफ द वर्ल्ड जिसने हाल फिलहाल में ही एंड पीरियड पॉवर्टी फॉर ऑल, जिसने हाल फिलहाल में एक लॉ प्रपोज किया है टू एंड द पीरियड पॉवर्टी फॉर ऑल एज ग्रुप्स। तो इसका जवाब होगा स्कॉटलैंड। मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो ये पीरियड पॉवर्टी होती है, इट बेसिकली रिफर्स टू द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड द प्रॉब्लम्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू इट फॉर द वुमेन, जो कि आप देखते होंगे कि हर महीने किस तरह से महिलाओं को पीड़ा सहनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द पीरियड्स, और साथ ही में उनके मूड स्विंग्स और जो उनकी हेल्थ कंडीशन वो भी बिगड़ती है। तो स्कॉटलैंड के द्वारा ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और एक क्लॉज जो इस लॉ में प्रपोज किया गया है वो ये है कि जितने भी तरह के सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं वो हर उम्र और हर वर्ग की महिलाओं के लिए फ्री कर दिए जाएंगे इन द कंट्री ऑफ स्कॉटलैंड। तो इसके लिए भी स्कॉटलैंड की काफ़ी तारीफ की जा रही है। नेक्स्ट सवाल है, एकम फेस्ट जो कि एक एग्जीबिशन कम फेयर है, इसे किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो ये एकम फेस्ट है, ये मेनली प्रमोट करने के लिए किया जाता है टू द क्राफ्टमैनशिप एंड आर्टिस्टिक वर्क्स ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड पीपल। जी हाँ, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ये फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला सवाल है, सह्याद्री मेघा क्या है। सह्याद्री मेघा इज अ न्यू वराइटी ऑफ पैडी विच इज़ रेजिस्टेंट टू द ब्लास्ट डिजीज एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जी हाँ, ये भी एक बहुत ही फैक्चुअल सवाल है जो कि प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जा सकता है कि सह्याद्री मेघा क्या है, तो इसे भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा युविका जो कि एक स्पेशल प्रोग्राम है फॉर द स्कूल चिल्ड्रन को लॉन्च किया गया है इन ट्यून विद द गवर्नमेंट्स विजन ऑफ जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो इसका आंसर होगा इसरो या फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो युविका है इसका फुल फॉर्म होता है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, और इसे इसरो और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी स्पेस साइंस एंड स्पेस एप्लीकेशन इन द यंग चिल्ड्रन। अगला सवाल है हमारा, इंडिया के पहले स्टेट का नाम बताइए जिसने पूल टेस्टिंग को इनिशिएट किया है फॉर द कोविड 19 एज अप्रूव्ड बाई ICMR। जी हाँ, इसका जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो पहला स्टेट है जहाँ पे पूल टेस्टिंग की जाएगी ताकि नंबर ऑफ टेस्टिंग को बढ़ाया जा सके और ज़्यादा सैंपल्स को टेस्ट किया जा सके विद इन अ डे। नेक्स्ट सवाल है, किस इंडियन मिनिस्ट्री के द्वारा वेबिनार सीरीज नेम्ड देखो अपना देश लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर होगा टूरिज्म मिनिस्ट्री।
जी हाँ, देखो अपना देश जो एक वेबिनार है ये टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इसलिए लॉन्च किया है ताकि इस COVID-19 के माहौल में भी टूरिज्म के रिगार्डिंग अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके और लोगों को टूरिज्म के लिए आकर्षित किया जा सके। साथ ही में जो इसका पहला एपिसोड है उसका नाम है सिटी ऑफ सिटीज़, जो कि न्यू दिल्ली पर बेस्ड होगी, तो इसे भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल फिलहाल में ही एडिसन अवार्ड 2020 को जीता है फॉर इट्स कैंपेन नेम्ड क्लब एनर्जी #स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। तो इसका जवाब होगा टाटा पावर्स। जी हाँ, टाटा पावर्स ही इसका आंसर है। अगला सवाल है, उस कंपनी का नाम बताएं जिसके द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है कॉल्ड प्रगति टू ड्राइव द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग वुमेन इन इंडिया। जी हाँ, इसका आंसर होगा फेसबुक। जी हाँ, आंसर है फेसबुक। अगला सवाल है, उस ऑपरेशन का नाम बताइए जिसे हाल फिलहाल में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कैरी आउट किया गया है टू डिलीवर द एसेंशियल मेडिसिन एंड हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स टू मालदीव्स। जी हाँ, जो मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री है, हमारा नेबर है, उसको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स उसको पहुँचाने के लिए जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है उसका नाम है ऑपरेशन संजीवनी। अगला सवाल है, किस मेगा ऑनलाइन चैलेंज के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और AICTE ने मिलकर स्टूडेंट केबिलिटी को टेस्ट करने की कोशिश की है टू इनोवेट। तो इसका आंसर होगा समाधान, या फिर जिसे हम समाधान चैलेंज भी कह सकते हैं। और इस इनिशिएटिव के थ्रू जो MHRD है वो जानना चाहती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना ज़्यादा कितने तरह के मेजर्स प्रपोज कर सकते हैं टू सॉल्व द इश्यूज़ इन वेरियस सेक्टर्स, और साथ ही में कुछ नए तरीके को जो नए तरीके होते हैं टू प्रपोज क्विक रिस्पॉन्स टू डिज़ास्टर्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2020 का थीम क्या है? इसका आंसर है इन्हेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। जी हाँ, इसका थीम यही है, और वर्ल्ड होम्योपैथी डे को सेलिब्रेट किया गया था 10 अप्रैल को। अगला सवाल है, वर्मी वेट क्या है? जो ये वर्मी वेट है ये एक तरह का इंडिजिनस हर्बल मेडिसिन है, या जिसे हम डी वर्मर है वो भी कह सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि जो वर्म्स होते हैं ना, ये बहुत ही मेजर इशू होते हैं फॉर द फार्मर्स हु आर केटरिंग टू देयर फील्ड्स, और उसके लिए बहुत तरह के केमिकल ट्रीटमेंट को यूज़ किया जा सकता है टू किल द वर्म्स। लेकिन ये पहला मौका है जब एक इंडिजिनस हर्बल मेडिसिन को लॉन्च किया गया है बाय द नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ NIF, और ये कमर्शियल प्रोडक्ट की तरह लाया गया मार्केट में ताकि नेचुरली ट्रीट किया जा सके वर्म्स को मारने में। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है, किस मोबाइल ऐप के द्वारा हाल फिलहाल में ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने जो फूड ग्रीन्स एंड पेरिशेबल्स हैं ऑफ द फार्मर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए सहूलियत दी है? तो इसका जवाब होगा किसान रथ। जी हाँ, जवाब है किसान रथ। अगला सवाल है, व्हाट इज़ रेमडेसिविर? जी हाँ, रेमडेसिविर क्या है? तो जवाब होगा इट इज़ एन एंटीवायरल ड्रग टू ट्रीट एबोला डिजीज़। इस सवाल को यहाँ रखने का तात्पर्य ये था कि हाल फिलहाल में ही हमने देखा है कि इस जो ये एक रेमडेसिविर नाम का ड्रग है, इसे काफ़ी यूज़ किया जा रहा है टू फाइंड आउट द क्योर ऑफ COVID-19 वैक्सीन, तो इसी वजह से ये अभी काफ़ी पॉपुलर है न्यूज़ में, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अगला सवाल है, मिल्क टी अलायंस क्या है? तो इसका जवाब होगा कि मिल्क टी अलायंस इज़ अ ग्रुप फॉर्म्ड बाई द इंटरनेट यूजर्स फ्रॉम थाईलैंड, ताइवान एंड हांगकांग इन सोशल नेटवर्क अगेंस्ट चाइनीज गवर्नमेंट एंड इट्स सपोर्टर्स। यहाँ मैं थोड़ा वक्त लेते हुए आपको मिल्क टी अलायंस के बारे में बताना चाहूँगी कि जो ये मिल्क टी अलायंस है ना, ये एक तरह का इनफॉर्मल मूवमेंट है जो कि प्रो चाइनीज ट्विटर के जो यूजर्स होते हैं उनके अगेंस्ट लॉन्च किया गया है बाय द पीपल ऑफ थाईलैंड, ताइवान एंड हांगकांग। और यहाँ पे जो ये नाम है मिल्क टी से रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो चाइना के आसपास के देश हैं ना, उनके यहाँ पे ये जो टी है बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, लेकिन वहाँ पे मिल्क ऐड करके टी को पी जाती है, जबकि चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पे टी को हम बिना मिल्क के ही पीते हैं, या वहाँ पे वो कल्चर में है कि विदाउट यूजिंग द मिल्क दे कंज्यूम द टी। सो इसी वजह से ये जो मिल्क टी अलायंस है ये एक तरह से चाइना के अथॉरिटेरियन रूल या उसके प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट तैयार किया गया है, और नाम इसे दिया गया है मिल्क टी अलायंस का। अगला सवाल है, उस माउंटेन का नाम बताइए जहाँ पे हाल फिलहाल में ही 1000 मीटर साइज का एक ट्राई कलर प्रोजेक्ट किया गया था
टू एक्सप्रेस द सॉलिडारिटी टू ऑल द इंडियंस इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19? तो इसका जवाब होगा मैटरहॉर्न माउंटेन, जो कि स्विट्जरलैंड में है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर था न्यूज़ में, आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे उसके पिक्चर्स या गूगल पे उसके पिक्चर्स। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ये मैटरहॉर्न माउंटेन है, ये एक एल्प्स का माउंटेन है जो कि स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर पे है, और कई बार इसे न्यूज़ में माउंटेन ऑफ माउंटेन्स के नाम से भी रेफर किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, उस ब्रिज का नाम बताइए जिसे हाल फिलहाल में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सुभानसिरी रिवर इन अरुणाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्ट किया गया है इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 27 डेज। तो इसका आंसर होगा दापोरिजो ब्रिज। जी हाँ, सॉरी मैं शायद इसके नाम को अच्छे से बोल नहीं पाई, दापोरिजो ब्रिज। जी हाँ, दापोरिजो ब्रिज जो है इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है एलओसी के अगेंस्ट, एलओसी के अलोंग टू लिंक द रोड्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और जो ये सुभानसिरी रिवर है, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की इन असम एंड अरुणाचल प्रदेश, तो आप ये भी याद रख सकते हैं एज अ फैक्चुअल थिंग। और अगला और आखिरी सवाल है हमारा कि उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसे पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन टू इफेक्टिवली ट्रैक द होम क्वारंटाइंड सिटीजन्स। तो इसका जवाब होगा संयम। जी हाँ, ये जो मोबाइल ऐप है इसे संयम कहते हैं, और इसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें एक GPS ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जिससे जब भी जो क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन जो सिटीजन्स हैं वो जब भी अपने घरों के बाहर निकलेंगे तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलर्ट मिल जाएगा और वो तुरंत सतर्क हो जाएंगे कि किस तरह से उन सिटीजन्स को वापस अपने घरों में लाया जा सके। तो यहाँ मेरे इस 50 क्वेश्चंस के साइकिल को ख़त्म किया जाता है, और मुझे उम्मीद है कि ये 50 सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे होंगे और आपने इन्हें बहुत ही अच्छे से देखा और सुना होगा। और अब मैं आती हूँ अपने नेक्स्ट और आखिरी सेक्शन पे, विच इज़ द कोट ऑफ द डे। तो आज का कोट ऑफ द डे है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट, बाय ज़िग ज़िग्लर। जी हाँ, ये चीज़ आप अपने ज़िंदगी में अगर फॉलो करने लगेंगे तो बहुत 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 आगे जाएंगे। कभी भी खुद को बड़ा करने की चाहत रखना गलत नहीं होता, लेकिन उस चाहत को पूरा करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। तो हमेशा याद रखें कि सपने देखना कभी ना छोड़ें, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करना भी कभी ना छोड़ें। इस क्वारंटाइन के टाइम पर, इस लॉकडाउन के टाइम पर बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि पता नहीं एग्जाम्स कब होंगे, उनके डेट्स कब आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि एग्ज़ाम कब होंगे। मेरा मानना है कि जो भी वक्त आपके पास है, अभी अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लें कि एग्जाम्स जब भी हो उसमें अगर आप ना भी पढ़ के जाएं तो भी आपकी जो आपका ये है, आपका आंसर है, या आपके जो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है वो इतनी ज़्यादा हो कि आप बिना कुछ रिविजन के भी वहाँ जाकर आंसर्स को लिखाएं। तो इसी वजह से अपनी पढ़ाई को निरंतर रखें, स्लोली एंड स्टेडिली मूव करें, और हमेशा अपने आप को फोकस रखें और हमेशा सपने देखें, क्योंकि सपने देखेंगे तो ही उन्हें पूरा करेंगे। तो इस तरह से मैं आज का वीडियो अपना ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया है। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे लाइक भी करें। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @aspirinstoday, या फिर मेरे पर्सनल टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ swapnilsingh1503। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए आप swapnilsingh1503 नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपने वीडियो आज यहाँ एंड करती हूँ। जल्दी लौटूंगी मैं एक नए वीडियो के साथ और कुछ नए फैक्ट्स एंड डेटा के साथ। चलिए, तब तक मैं आप लोगों के साथ थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।